जिले में चल रही अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। राजघाट पुलिस लगातार छापामारी करके कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट कर रहे हैं तथा शराब बनाने वाली सामग्री महुआ लहन को भी नष्ट कर रही है। गुरुवार को राजघाट थाना के नौसड़ पुलिस चौकी के पास कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है। आपको बताते चलें कि नदी ताल के किनारे या उसके बीच नाव पर अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर बेचा जाता है, लेकिन SSP के निर्देश पर जनपद की पुलिस लगातार छापेमारी करके भट्टियों को नष्ट कर रही है और कारोबारियों को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ एवं प्रभारी SSP रोहित सिंह सहवाण ने बताया। सबको काट दिया है ना, कल इलेक्शन होता ना, अभी इलेक्शन में रिएक्शन होगा, सब काट दिया हूँ। अभी है कि इधर इधर मुंह इधर कर जाता है, दीपा होगा भाई, सब पड़ा है भाई, पन्नी 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 से सब काम किया जाता है भाई, ना जानते हैं सब होता है कि कभी नहीं होता है ना। सबको काट दिया है ना, कल इलेक्शन होता ना, अभी इलेक्शन में रिएक्शन होगा, सब काट दिया हूँ। अभी है कि इधर इधर मुंह इधर कर जाता मेरा भी, नहीं है मार सा क्या है दीपा होगा भाई, सब पड़ा है भाई, पन्नी पन्नी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जहाँ जहाँ अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है वहाँ पुलिस गई, वहाँ पे जो भट्टियाँ अवैध भट्टियाँ उनको तोड़ा गया और साथ ही साथ उसमें काफ़ी मात्रा में जो अवैध सामग्री है उसको जब्त किया गया और पुलिस के द्वारा इसमें एक्साइज एक्ट और IPC की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस तरह का है कि वहाँ पे पानी अक्सर जमा हो जाता है, तो बिना उसमें अन्य लोगों की मदद लिए ये कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे तैराक भी चाहिए होते हैं और नाव भी चाहिए होती है, क्योंकि बिना नाव के आप उन क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ आप जा नहीं सकते, तो बिना नाव के आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ती है और भविष्य में भी जब शराब की निर्माण की सूचना मिलेगी तो पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी।